बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी मॉनिटरी पॉलिसी नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन मॉनिटरी पॉलिसी इट इन्फ्लेशनरी क्या मॉनिटरी पॉलिसी भी खुद इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकती है जबकि उसका प्राइम कंसर्न जो है वो तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो यस ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल कब होता है जब सेंट्रल बैंक कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहे या मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहे जो जो कर नहीं सकती इसलिए जरूरी है कि हम पहले इस पर फोकस करें कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन डू एंड इट कांट डू क्या मॉनिटरी पॉलिसी कर सकती है क्या नहीं कर सकती अगर आपको अपने पिछले लेक्चर्स का आइडिया है जिसमें हमने बार बार एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल डिस्कस किया तो वहां से आपको एक चीज बड़ी क्लियर हो गई होगी कि हम हमेशा देखते थे कि लॉन्ग रन में इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पोटेंशियल लेवल पे वापस आती है अनएंप्लॉयमेंट रेट अपने नेचुरल रेट पे वापस आता है लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो परमानेंटली अप या डाउन हो सकता है डिपेंडिंग शॉक कैसा था इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में जो रियल साइड के वेरिएबल्स हैं जिनमें आउटपुट है जिनमें एंप्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी

शॉर्ट रन में ऐसा कर सकती है अब ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चूजिंग इन्फ्लेशन टारगेट इन द लॉन्ग रन मसलन हमारी इकॉनमी इनिशियली पॉइंट वन पे है और पॉइंट वन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन अपने टारगेट पे है आई एन एफ टी वन अब इसके बाद सेंट्रल बैंक क्या करता है कि इन्फ्लेशनरी मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है जिसका मतलब है अपनी पॉलिसी लूज कर देता है पॉलिसी लूज करने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका जो ऑटोनोमस पार्ट है इंटरेस्ट रेट वाली इक्वेशन का तो अटानोमस पार्ट का मतलब यह है कि एग्जॉजीसली इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देता है इसका मतलब है मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो जाती है जब वो ऐसा करता है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट right साइड पे जब एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो आउटपुट गैप पॉजिटिव हो जाता है जब आउटपुट गैप पॉजिटिव हो गया तो यहां पे वही सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म वाला चैनल चलेगा और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा और उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा और फाइनल इक्विलिब्रियम जाके पॉइंट थ्री पे होगा जो कि इन्फ्लेशन टारगेट थ्री के नाम से है वर्टिकल एक्सिस पे इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक चाहे तो वो इन्फ्लेशन के टारगेट को आई एन एफ वन से आई एन एफ थ्री कर दे ऐसा तो हो सकता है लेकिन जो उसके मुकाबले में इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो पॉइंट वन पे भी वाईपी थी पॉइंट थ्री पे भी वाईपी है क्योंकि सेंट्रल बैंक उसको चूज कर ही नहीं सकता लॉन्ग रन के अंदर अब सवाल यह है कि हम अब NL... ये जब क्लियर हो गया कि सेंट्रल बैंक ये कर सकता है ये नहीं कर सकता तो अब हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशनरी मॉनिटरी पॉलिसी कब सेंट्रल बैंक की हो सकती है पहली बात तो याद रखें जब सेंट्रल बैंक का प्राइम कंसर्न इन्फ्लेशन का कंट्रोल है तो इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक की अपनी पॉलिसी से कब क्रिएट होगा जब सेंट्रल बैंक का फोकस इन्फ्लेशन से हटके किसी और वेरिएबल की तरफ चला जाएगा मसलन आउटपुट की तरफ चला गया मसलन कोई और वेरिएबल ले लें एक्सचेंज रेट की तरफ चला गया या कोई भी और ऐसा एम्प्लॉयमेंट का वेरिएबल ले लें अनएम्प्लॉयमेंट का वेरिएबल ले लें तो जो ही फोकस इन्फ्लेशन रेट से हटके किसी और वेरिएबल की तरफ जाएगा तो उस टारगेट को अचीव करते करते हो सकता है इन्फ्लेशन का टारगेट मिस हो जाए और सेंट्रल बैंक के अपने एक्शन की वजह से अपनी पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाए इसको हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट के अंदर उसमें पहली सिचुएशन हम ये लेते हैं कि देयर इज लो आउटपुट ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और पॉलिसी मेकर पॉलिसी मेकर से मुराद यहां मॉनिटरी अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट कम ना हो जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आउटपुट कम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है तो अगर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन की बजाय एम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना शुरू कर दे तो होगा क्या यह डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आप इसको समझें तो इतनी मुश्किल नहीं होगी कि सबसे पहले एडी वन और एस वन से एक इक्विलिब्रियम बनता है जहां लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी है वो है पॉइंट वन पे अब इसके बाद अगर कास्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया तो इसका मतलब है इन्फ्लेशनरी शॉक आया या नेगेटिव सप्लाई शॉक आया जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कव एस टू बन गया जब वो ए एस टू बना तो उसका नुकसान ये हुआ कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया जबकि आउटपुट का लेवल जो है वो पोटेंशियल लेवल से नीचे चला गया और लोग अनएम्प्लॉयड हो गए अब अगर सेंट्रल बैंक का एम्फेसिस इंप्लायमेंट पे है इन्फ्लेशन की बजाय तो वो क्या करेगा अपनी पॉलिसी को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा जब वो अपनी पॉलिसी को रिलैक्स करेगा तो एग्रीगेट डिमांड कब ए डी टू पे शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो इकोनॉमी वापस पॉइंट टू पे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे पॉइंट टू पे आएगी जिसका मतलब इन्फ्लेशन रेट तो और बढ़ गया लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लेवल पे वापस आ जाएगी लेकिन ये अगर स्पाइरल चलता रहे फिर ए एस टू फिर ए एस थ्री फिर इधर से एडी वन एडी टू तो अल्टीमेटली होगा क्या कि पॉइंट फोर पे आप देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो अपने पोटेंशियल लेवल पे वापस आ गई लेकिन इन्फ्लेशन का टारगेट मिस हो गया जो आई एन एफ वन था इन्फ्लेशन वो आई एन एफ फोर पे चला गया इसका मतलब है कास्ट पुश इन्फ्लेशन हो और सेंट्रल बैंक रियल वेरिएबल का टारगेट अचीव करने की कोशिश करे तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है ये एक पॉसिबिलिटी है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव यानी कि रियल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है लेकिन हम यह कह रहे हैं कि इकॉनमी ऑलरेडी पोटेंशियल लेवल पे है ठीक है और अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे है इसका मतलब है कोई शॉक नहीं आया अब कोई शॉक नहीं आया बल्कि सेंट्रल बैंक की अपनी इंटेंशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट से भी कम हो जाए या आउटपुट शॉर्ट रन में अपने पोटेंशियल लेवल से भी ज्यादा हो जाए अगर सेंट्रल बैंक इस इंटेंशन पे यानी कि रियल वेरिएबल को बढ़ाने के चक्कर में अपनी पॉलिसी लूज कर दे तो एग्रीगेट डिमांड का राइट साइड पे शिफ्ट होगा जिसका मतलब है है कि जो इक्विलिब्रियम वो से टू प्राइम पे शिफ्ट होगा लेकिन वहां पे चुके आउटपुट गैप पॉजिटिव है तो सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म जो हमने कई दफा पढ़ा उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी उससे एग्रीगेट सप्लाई कब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा फिर सेंट्रल बैंक जो है वो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा ताकि आउटपुट ज्यादा रहे अगर सेंट्रल बैंक आउटपुट को पी से ज्यादा वाले लेवल पे परमानेंटली मेंटेन करना चाहता है तो उसे बार बार पॉलिसी एक्सपेंशनरी बनानी पड़ेगी जिसका नेट रिजल्ट ये होगा कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक के अपने एक्शंस की वजह से भी समाइम इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो सकता है नेट रिजल्ट क्या है कि देयर इज अ पेन ऑफ सच पॉलिसी बट विदाउट गेन क्या मतलब कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा लेकिन गेन कोई नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पोटेंशियल लेवल या नेचुरल रेट पे ही वापस आती है थैंक यू